लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। मुरादाबाद के रोडवेज बस स्टैंड से लाखों रुपए की प्रतिबंधित दवाइयां पकड़े जाने से हड़कंप मच गया। देर रात मुरादाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर बस से उतर रहे बोरों पर की गई छापेमार कार्रवाई से हड़कंप मच गया। दरअसल मुरादाबाद ड्रग्स विभाग की टीम को सूचना मिली कि कुछ लोग रात के अंधेरे में रोडवेज बस की छत पर लाद कर प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा लेकर मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर ड्रग्स विभाग की टीम ने पूरी तैयारी के साथ देर रात रोडवेज पहुंची, बस की घेराबंदी करते हुए माल सहित 3 लोगों को पकड़ लिया। ड्रग्स विभाग ने जब दवाइयों के बोरे खोलकर देखे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि कुछ दवाइयां तो इतनी खतरनाक थी जो मार्केट में बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है। दवाइयों की कीमत लगभग 25 से 30 लाख रुपए है, जो अवैध रूप से बस पर लाद कर लाई गई थी। इस मामले में कुल 3 लोगों को पकड़ा गया है और दवाइयों की जांच की जा रही है। ये हमको आगरा से गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कल रात कि रोडवेज बस से कोई व्यक्ति नशे की और टीजिन सैंपल नॉट फॉर सेल की मेडिसिंस रोडवेज बस से ला रहा है। एक्सपेक्टेड टाइम उसने बताया था कि ये लगभग 2 से 4 बजे के बीच में पहुंचेगी। तो उसी पे जो है हमने रात को इस पर बस पे ऑब्जर्व कर रहे थे, जैसी बस से माल उतरा है इसको पकड़ा है। इसके अंदर जो है जो बरामदगी हुई है बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा पिनाम इसके अंदर जो है पाया गया है, जिसकी MRP 970 रुपये है, जो कि फिजिशियन सैंपल के रूप में है। क्वांटिटी इतनी हैवी है कि 200 इंजेक्शन है, यानी कि वो 2 लाख से ऊपर तो अकेला एक इंजेक्शन ही बैठ रहा है। इसके अलावा ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड का पूरा जो है एक बोरा मिला है और भारी मात्रा में रिकवरी हुई है। मौके से जो है 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं इसके, जिन्होंने बस भगा ली वहाँ से मौके से, उसके भी नाम पते इन्होंने बताए हैं और उनके खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बंटी सक्सेना की रिपोर्ट। मुकेश शाही, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते समाप्त। मुमताज जवेरी को दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध। अगर आपके इलाके में कोई घटना घटित हुई है या आपके पास कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर आप में से संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं indialivenewschannel@gmail.com पर, या आप हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in पर। नमस्कार।